सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पॉलीबॉल ड्रग एजेंसी डकैती कांड का मुख्य सरगना मनीष कुमार उर्फ मनीराम उर्फ मनिया को पुलिस ने एक देसी पिस्तौल व दो गोली समेत शहर के माल गोदाम रोड से गिरफ्तार किया है। उक्त कांड का उद्भेदन करते हुए डीएसपी सदर ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अपराधी मनिया हत्या लूट समेत कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता स्वीकार किया है। मनिया पर दरभंगा समेत जिले के कई थानों में कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उक्त डकैती कांड में मोहम्मद अमजद मोहम्मद अहमद उर्फ पल्सर राजू उर्फ बिट्टू चौधरी एवं अभिषेक कुमार उर्फ हनी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। कांड का उद्भेदन डीएसपी प्रतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम में नगर व मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार अनिल कुमार सिंह सिपाही गणेश कौशल अनिल टाइगर नवनीत व निशांत रंजन आदि शामिल थे। अक्टूबर महीने में पाली वर्ल्ड ड्रग एजेंसी में 10 बजे रात्रि में डकैती की घटना हुई थी। उसी में उस कांड का मुख्य सरगना मास्टरमाइंड मनीष राम उर्फ मनिया पकड़ा गया है। इसके 4 साथी पूर्व में घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ जेल भेजे जा चुके हैं और आज पुनः ये गिरफ्तार हुआ है। ये सर कहाँ से पकड़ा गया? ये माल गोदाम चौक के समीप से ही पकड़ा गया है। इसमें पकड़ाने के बाद से पूरी घटना का खुलासा किया है, साथ में इसके द्वारा अंतर जिला अपराध जो किया जा रहा था उसके बारे में भी इसने स्वीकार किया है कि दरभंगा जिले में और अन्य जिलों में जो इसके द्वारा अपराध किया गया था उसके बारे में बताया। ये और इसका पूरा गिरोह एक सुपारी किलर के रूप में यहाँ पर एक्टिव होने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें इसके अधिकांश साथियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इन्होंने मक्की ओपी थाना क्षेत्र में सुपारी लेकर एक बिजली मिस्त्री जो कलाम नाम के थे उनको गोली मारा था। इसने बताया कि 2 लाख रुपए उस मामले में उसको प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से ये पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ लिया है और इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत सजा कराएंगे।